आप सभी का स्वागत है प्लांट्स एंड फ्लावर्स में। प्रूनिंग किए हुए हमारे पौधों को करीबन 10 दिन हो चुके हैं। मैंने अभी तक किसी भी प्लांट में वाटरिंग नहीं की है। प्रूनिंग करने के बाद वाटरिंग नहीं करने से प्लांट में ग्रोथ जल्दी होती है। रिपोर्टिंग करने के बाद प्लांट में जल्दी जल्दी वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा वाटरिंग करने से प्लांट खराब भी हो सकता है। देखिए इस प्लांट में ग्रोथ होना शुरू हो गई है। देखिए इस प्लांट में यहाँ से भी ग्रोथ हो रही है। इस प्लांट में तो बहुत ही जगह से ग्रोथ हो रही है। इस प्लांट में जहाँ जहाँ से ग्रोथ हो रही है वहाँ वहाँ से नई नई ब्रांचें निकलेंगी और फूल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगी। इसमें भी यहाँ से ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ शुरू होने के बाद प्लांट में पानी देना शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्लांट में जल्दी जल्दी वाटरिंग नहीं करनी है। कुछ कुछ दिन के गैप से पानी देना है। हमारे कुछ प्लांट्स में ग्रोथ हो रही है, कुछ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और कुछ पौधों में अभी तक ग्रोथ नहीं हुई है। कुछ दिन बाद इनमें भी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। देखिए सभी प्लांट्स की मिट्टी पूरी तरह ड्राई हो चुकी है। अब समय आ गया है इन सभी में वाटरिंग करने का। अब मैं इन सभी में एक बार वाटरिंग कर दूंगी। दूसरी बार वाटरिंग ग्रोथ शुरू होने के बाद ही करनी है। प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है, शेड में नहीं रखना है। फर्टिलाइजर भी ग्रोथ होने पर ही देना है। जब तक ग्रोथ शुरू ना हो तब तक कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। तो मिलते हैं ग्रोथ शुरू होने के बाद नए वीडियो में। उसमें जानेंगे कि ग्रोथ शुरू होने के बाद कौन सा फर्टिलाइजर कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।